Dear students, what is aldol condensation? It is the chemical reaction in which two or more molecules of same or different carbonyl compounds containing at least one alpha hydrogen react in the presence of dilute alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide or a base like barium hydroxide or potassium carbonate to produce beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. Let us understand it by taking an example. Suppose we have the molecules of acetaldehyde. Two molecules of acetaldehyde we have, and you know the formula of acetaldehyde is o So तो बच्चे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक acetaldehyde molecule को मैंने ऐसे लिख दिया है और दूसरे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ. दोनों का मतलब same है. सिर्फ इसको हमने expand करके लिखा है जिसमें ये एल ग्रुप है और इस एल ग्रुप के साथ ये वाली जो कार्बन है दिस इज दी अल्फा कार्बन ठीक है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके साथ बच्चों जो हाइड्रोजन लिखे हैं लगे हुए हैं दीज आर दी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और बच्चे इस अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम आ, के कारण ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम लेते हैं अराउंड टेन परसेंट और इसमें क्या होगा ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बोनाइल कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगी और जिसकी वजह से बच्चे आपको जो प्रोडक्ट बनेगा आ, मिलेगा दिस इज नोन एज एल्डोल अब इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है ठीक है और बाकी इसका अगर पूरा नेम लिखना है तो बच्चों पूरा नेम इसका क्या आएगा इड्रोक्सी ब्यूटेनल ठीक है इसका पूरा नेम आएगा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल और बच्चों ये रिएक्शन फर्दर ये, ये रिएक्शन एक्चुअल में दो स्टेप में होता है फर्स्ट स्टेप इसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ठीक है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिकडीशन रिएक्शन है उसके बाद जो तो आपका अल्डोल प्रोडक्ट बना है उसकी बच्चे होती है डिहाइड्रेशन ठीक है डीहाइड्रेशन इसको हीट करने के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो डिहाइड्रेशन होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे ठीक है तो वाटर ऐसे निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चे क्या होगा इस कार्बन और कार्बन में आ जाएगा डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे अल्कीन प्रोडक्ट बन जाएंगे और साथ में बच्चे आपका जो ये एल ग्रुप है ये एज इज आएगा ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज नोन एज अल्फा बीटा अल्फा बीटा एल्डिहाइड्स और ketones. ये कीटोन भी रिएक्शन कर सकते हैं और एल्डिहाइड भी कर सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे एल्डिहाइड्स की ठीक है और इसमें क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम थे तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और इसका नाम बच्चे आएगा ब्यूट ब्यूट टू टू इन इन अल ठीक है जहां फिर इसको क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम होता है ठीक है और बच्चे इसका जो मकैनिज्म रहता है वो कैसे रिएक्शन होती है अब आपको डिहाइड्रेशन तो पता चली चलेगी इसमें कैसे डिहाइड्रेशन होती है वो मैंने अभी इसी स्टेप में यहाँ पे कर दी है ठीक है तो वट इज़ दकेनिज़्म बिहाइंड दिस रिएक्शन मकैनिज्म क्या है बच्चे आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक्चुअल में का मकैनिज्म क्या रहता है ये फिल्म में थ्री स्टेप में रिएक्शन होता है ठीक है और इस थ्री स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप रहता है दैट इज द बेस रिमूव दी वन ऑफ दी अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दी एल्डिहाइड्स और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ठीक है उसी ने ही बेस के साथ रिएक्ट करना है तो इसमें सबसे पहले जो हमने सेकेंड मॉलिक्यूल लिया था वो एसिड एल्डीहाइड था फर्स्ट भी हमारा एसिड एल्डीहाइड ही था इसमें ठीक है तो इसमें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में यहाँ पे एसिडिक नेचर होती है इसकी ठीक है जो एसिडिक नेचर होने के कारण ये बेस के साथ बच्चों ऐसे रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करने के बाद जो यहाँ पे बनता है कार्बोनाइन ठीक है कार्बोनाइन का मतलब आप लोगों को पता है कि कार्बोनाइन में क्या होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दिस कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज है ठीक है तो इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है टू डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा ऑक्सीजन के पास यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ठीक है <coughs> तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्मेशन होगी ठीक है और इसको हम बोलते क्या है दिस इज नोन एज कार्बोनाइन ठीक है और इसको बोलते हैं बच्चे इनोलेट आयो ठीक है तो मतलब कि जो कार्बोनाइन फॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ठीक है तो so एसिडिटी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम

यानी कि इनोलेट आयन ये एक्ट करता है एज ए पे क्या एक्ट करता है फाइल एक्ट करता है मतलब कि ये क्या करेगा ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन कार्बो ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ गया यहाँ पे डबल मॉन्ड होने के कारण ये जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ठीक है तो ये स्टेप बच्चे फास्ट स्टेप होता है और इसमें सी एच थ्री सी यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और जो कार्बन है ये दो हाइड्रोजन एजिडीज लग जाएंगे ओके तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना ये अनाइन की फॉर्मेशन में यहाँ पे थर्ड स्टेप में अनाइन फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है सेकेंड स्टेप में अब थर्ड स्टेप क्या रहता है थर्ड स्टेप में यही जो आपका अनाइन बना है यहाँ पे ठीक है Uh, मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ ठीक है हमारा नाहिम ये था यहाँ पे सी CH एच और सी एच टू ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ एच ये वाला ग्रुप था अब इसमें वाटर की प्रेजेंस में ठीक है जो ये वाला हाइड्रोजन है ये बच्चों शिफ्ट कर जाएगा इस साइड और देर विल बी दी री जनरेशन ऑफ जो आपका नेगेटिव ओ नेगेटिव आयन थे उसकी री जनरेशन यहाँ हो जाती है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है रीजनरेट कर जाते हैं यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा ठीक है दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल या फिर कीटोन वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद बच्चे वो क्या एल्डोल प्रोडक्ट देते हैं लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन एल्डिहाइड जहाँ फिर कीटोन के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए देखो किटोन के पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम होती है इटमीन्स वो तो रिएक्ट रिएक्शन कर ही देंगे लेकिन एल्डिहाइड्स अल, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम है वही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मॉलिक्यूल आपके पास फॉर्मेलडी है या फिर बैंजलडी है ठीक है अगर आप इनकी रिएक्शन करवा दो तो बच्चे दे आ, दे विल नॉट डू दी एल्डोल दी एल्डोल कंडेंसेशन क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो ये थी बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे ही बच्चे इसमें uh, कई बार क्या होती है इंट्रामिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी पॉसिबल होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सपोज ये आपका uh, यहाँ पे मॉलिक्यूल है मैं कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बना देता हूँ इसका नाम है एक्स हेक्सेन वन सिक्स डाइल ठीक है ये भी टेन परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बच्चों इसमें भी इंट्रा इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो पॉसिबल होती है मतलब कि विद इन दी मॉलिक्यूल तो होता क्या है इसमें जो ये फर्स्ट कार्बन थी इसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे तो इसमें ये दोनों एल्डोल uh, कंडेंसेशन में जो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है इसमें से एक एल्डिहाइड ये वाला एल्डिहाइड जो फर्स्ट कार्बन पे है ये क्या करेगा यहाँ से डबल बॉन्ड बना देगा ठीक है और ये वाला एल्डिहाइड इसके साथ ऐसे लग जाएगा ठीक है जी तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे साइक्लो का नाम क्या आएगा साइक्लो एंट वन इन वन कार्ब है कार, कार्बलहाइड इसका नेम है ठीक है तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन इसके बाद बच्चे कैन रिडक्शन जो है रिएक्शन हम नेक्स्ट में करेंगे मतलब डेली के डेली हमने एक एक नेम रिएक्शन जो है करते जाना